सोनभद्र में सोने को लेकर बड़ी खबर है। जीएसआई ने 3000 टन सोने के दावे को गलत बताया है। सोनभद्र में 3000 टन नहीं, सिर्फ 160 किलो सोना। जीएसआई का यह कहना है, सोनभद्र में मिले अयस्क से प्रति टन सिर्फ 3.03 ग्राम सोना निकलेगा। सोनभद्र में 3000 टन सोने का अयस्क होने की बात निकलकर पहले सामने आई, लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त ऑनलाइन टीवी पर, सोनभद्र में सोने को लेकर बड़ी खबर। जीएसआई ने 3000 टन सोने के दावे को गलत करार दिया है। सोनभद्र में 3000 टन नहीं, सिर्फ 160 किलो सोना। जीएसआई का यह कहना है, सोनभद्र में मिले अयस्क के प्रति टन सिर्फ 3.03 ग्राम सोना। सोनभद्र में 3000 टन सोने का अयस्क होने की बात सामने आई थी, पहले सुर्खियां बना सोनभद्र, लेकिन अब जीएसआई ने 3000 टन सोने के दावे को गलत बताया। सोनभद्र में 3000 टन नहीं, सिर्फ 160 किलो सोना। जीएसआई का मानना है, दावा है, सोनभद्र में मिले अयस्क के प्रति टन सिर्फ 3.03 ग्राम सोना बता रही है टीम। सोनभद्र में 3000 टन सोने का अयस्क मिलने की बात सामने आई थी। सोनभद्र में सोने को लेकर इस वक्त बड़ी खबर, जीएसआई ने 3000 टन सोने के दावे को गलत बताया। सोनभद्र में 3000 टन नहीं बल्कि 160 किलो ग्राम सोना, जीएसआई का दावा। सोनभद्र में 3000 टन सोने का अयस्क होने की कही गई थी बात। तो इस वक्त बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं, सोनभद्र में सोना मिलने को लेकर बड़ी खबर। जीएसआई ने 3000 टन सोने के दावे को खारिज किया। सोनभद्र में 3000 टन नहीं, सिर्फ 160 किलोग्राम सोना है। सोनभद्र में मिले अयस्क के प्रति टन सिर्फ 3.03 ग्राम सोना निकलेगा। सोनभद्र में 3000 टन सोने का अयस्क होने की कही गई थी बात। जीएसआई ने 3000 टन सोने के दावे को गलत बताया है।